सांस्कृतिक महोत्सव के मौके पर प्रसिद्ध शेफ विष्णु मनोहर की तरफ से 3000 किलो की खिचड़ी प्रसाद के तौर पर निर्माण की गई है। इसके पहले भी विष्णु जी की ओर से कई रिकॉर्ड बनाए गए हैं। इस मौके पर उनसे बात की BCN ने, देखते उनका क्या कहना है। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव के मौके पर गजन महाराज के पारायण के वक्त जो है सुप्रसिद्ध शेफ विष्णु मनोहर जोशी, इन्होंने 3000 किलो की खिचड़ी का प्रसाद बनाया है। इसके पीछे का कारण क्या है ये हम जानेंगे उनसे। आज आपने इतना बड़ा प्रसाद किया है, क्या इसके पीछे का कारण है, क्या कहेंगे, क्या उद्देश्य है? ये प्रसाद है और खासदार सांस्कृतिक महोत्सव में केवल संगीत नाटक का आयोजन नहीं है, तो जैसे कहते हैं नितिन जी कि संगीतम नाटकम भोजनम सद्या परमानंददायकम, ये सारी चीज़ें जो है तो भगवान के पास हमें ले जाती है, हमें आनंद देती है। और रोज़ यहाँ पर आप सुबह देखते होंगे कि एक भक्तिमय वातावरण होता, शाम को आप नाच गाने वगैरह सब वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट आते, तो उसी का समापन इस खिचड़ी से हो रहा है कि ये सारी खिचड़ी जो है आज सब में बटेगी प्रसाद रूप में। इसके पहले भी आपने कई रिकॉर्ड तोड़े हैं, आज ये नया रिकॉर्ड आप बना रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, ये रिकॉर्ड नहीं है और मैं दर्ज भी करना नहीं चाहूँगा रिकॉर्ड, क्योंकि ये प्रसाद मेरी भावना है तो उस हिसाब से बना रहा हूँ, तो इसका रिकॉर्ड में सम्मिलित नहीं होगा। 16 वर्ल्ड रिकॉर्ड अब तक बने हैं और तकरीबन इसको पकड़ के 72,000 किलो माल अब तक इसमें बना है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप, आपका भी हाथ जो है इस ये इतने बड़े आयोजन का लग रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है, माने क्या जब मैं अकेला नहीं, मेरे पीछे ये सारी टीम है और ये लोग सब मिलके रात से भीड़ है जुटे यहाँ पर, और एक ही का फल जो है वो खिचड़ी है। कितना जो है इसमें मटेरियल लगा है और कितने मनुष्य जो है हैंड लगे हैं आपको? जैसे देखिए 3 से 4 लोगों ने मिलके बनाया, बाकी तो ऑन स्टेज 3 से 4 लोग, पर बाकी इसमें चावल है, दाल है, उसके बाद में गोभी है, गाजर है, आलू है, मटर है, उसके बाद में फल्ली दाना है, हल्दी, मिर्ची, नागपुर का अपना काला मसाला, ये सारा इसमें लगा है, दही लगा है तकरीबन 175 किलो और असली घी में इसे बनाया है। ये बहुत बड़ा जो है गंज दिख रहा है, क्या कितने किलो का है और ये सराटा जिससे आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं ये कितने किलो? ये देखो ये सराटे ना, ये अलग अलग सराटे हैं, अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग सराटे इस्तेमाल होते हैं। कोई सराटा 6-7 किलो का है, कोई सराटा 20 किलो का है, कोई 22-25 किलो का सराटा है, किसी सराटे में छेद लगे हैं, किसी को प्लेन है, तो वो हर स्टेज उसको सराटा जब यूज़ करते हर स्टेज के बाद सराटे की वो स्टेज बदल जाती। और ये कढ़ाई जो है 10 फीट बाय 10 फीट की है और 5.5 फीट हाइट है इसकी। इस कढ़ाई में 6000 किलो माल आता है वैसे, और अभी कढ़ाई बनाते समय नीचे लोहा, बीच में सर्जिकल स्टील और कॉपर इसका इस्तेमाल किया है। कितना वक्त लगा इतने बड़े जो प्रसाद बनाने? रात को 3 बजे से भीड़े हैं पर एग्जैक्ट वर्क ये जो है समय तो 4 घंटे, 3 से 4 घंटे। कल रात से ये जो काम शुरू है आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो खिचड़ी है जो बन रही है यहाँ पर, बहुत से लोगों का हाथ भी लगा है, बहुत से लोग इसको विष्णु मनोहर जोशी के इस काम में उनकी मदद भी कर रहे हैं। और कल रात से ये काम शुरू है फिर भी उन्होंने कहा है कि 6 से 7 घंटे इस कार्यक्रम को लगे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से भीड़ यहाँ पर है जो उनकी मदद भी कर रही है, उनके लोग हैं जो पूरी व्यवस्था मैं उनका साथ दे रहे हैं, और इस प्रकार से ये काम कल रात से जारी है। और इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि ये कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये उनकी तरफ से एक मदद है या फिर हाथ है जो इस महोत्सव को लग रही है।